जैसे सार्थक काम है या राम का काम या कोई ऐसा काम जो मुक्ति में सहायक है आ, वो कैसे करें मतलब अपनी कॉलिंग को कैसे पहचाने लाइक कोई जैसे कोई डॉक्टर है तो सपोज डेट अपना काम करता है या अपना ऐसा क्लिनिक खोल लेता है जो किसी असहाय या गरीबों के लिए है या जिस जिस किसी भी जितना बन पाता है वो क्लिनिक में ट्रीटमेंट के बाद उसे दे देता है तो मैं भी उसके लिए वो राम का काम हो सकता है क्योंकि उससे वो अपना आजीवन चला रहा है मतलब अपनी जीविका के लिए उसको यूज़ कर रहा है कोई टीचर है ऐसे असा है गरीबों को पढ़ा रहा है जो भी उससे बन पड़ता है किसी से उसको देता है और उसका अपना जीवन चल रहा है तो ये हो सकता है पर कोई जैसे एम्प्लॉय है और ऐसा काम नहीं कर पा रहा है लाइक जो दूसरों के लिए अपने लिए कमा रहा है और तो अपनी कॉलिंग को कैसे पहचाने हो या जो काम कर रहा है उसी को अच्छी तरह से करना ही सर तक होगा या अपनी कॉलिंग को कैसे जानेगा वो तुम शुरू में ही सारा खेल खत्म किए दे रहे हो फिर मुझसे पूछ रहे हो जीते हैं कैसे तो मैं क्या बताऊ तुम्हारा ऐसा है कि पूछ रहे हो कि आचार्य जी फॉलो ऑन था चार सौ रन से पीछे थे और दूसरी पारी में भी 80 रन पे नौ विकेट गिर गए हैं अब बताइए जीते कैसे मैं कहूँ ये सब हुआ क्यों है तो कहो नहीं नहीं वो तो होगा इस बार भी हुआ अगली बार भी होगा बस आप ये बता दीजिए कि एक विकेट बचा है और 320 बनाने हैं और तो जीता कैसे करें अब ऐसा कभी एक आध बार हो तो उसका कुछ शायद उपाय हो भी सकता है पर तुम कह रहे हो कि तुम्हें हर मैच में ये नौबत तो आवश्यक रूप से अनिवार्य रूप से पैदा करनी ही है हुँ? कि पहले फॉलो ऑन करोगे घटिया बॉलिंग करोगे फिर घटिया बैटिंग करोगे सब वो काम करोगे जो नहीं करने चाहिए और फिर जब एकदम एक कदम दूर होगे हारने से तो कहोगे आचार्य जी अब क्या करें तुम कह रहे हो कोई आदमी है जो एम्प्लॉई है और वो काम करे ही जा रहा है और वो क्यों है भाई एम्प्लॉई वो क्यों करे ही जा रहा है तुमने पहले ही ये सारी बातें बांध दी सुनिश्चित कर दी अब मेरे बोलने को क्या बचा मैं भी कभी एम्प्लॉय था मैं भी यही कह देता कि भैया इतनी मेहनत करी है ये परीक्षा वो परीक्षा ये सब करा है अब ज़रा वसूलने के दिन आए हैं मोटा पैसा मिल रहा है विदेश में जा कर के बैठ जाएंगे सेटे अटल हो जाएंगे तो फिर तो मेरे सामने जब कोई इस तरह की बातें लेकर के आता है कि अगर कोई एम्प्लॉई है जो दिन भर सिर्फ काम करता है और सैलरी कमाता है तो अब वो आध्यात्मिक मुक्ति कैसे हासिल करे कहूँगा तुझे चाहिए क्यों आध्यात्मिक मुक्ति तूने तो पहले ही तय कर लिया कि तुझे दिन भर अपनी चुनिंदा नौकरी करनी है कमाना है खाना है जो भी करना है अब इसके बाद आचार्य जी के बचाने के लिए क्या बचा हुँ? इतनी सस्ती चीज थोड़ी है सच्चाई या मुक्ति कि तुम मज्जाम नौकरी भी करते रहोगे कंपनी का ब्रांड भी उठाए रहोगे बीवी के घरवालों को भी ये बताए रहोगे कि देखिए लड़का बड़ी कंपनी में काम करता है गुड़गांव की एमएनसी है और भीतर ही भीतर चुपके चुपके तुम्हें कृष्ण फल की प्राप्ति भी होती रहेगी तुम तो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हो एक में लड्डू और दूसरे में बर्फी रखना चाहते, चाहते हो ऐसे थोड़ी ही होता है कि आचार्य जी मेरी जिंदगी जैसी चल रही वैसी चलती भी रहे और साथ ही साथ मुझे आध्यात्मिक आनंद भी प्राप्त हो जाए ऐसे कैसे हो जाएगा भाई अध्यात्म कोई चोरी छुपे किसी को कोई चीज दे देने का विज्ञान थोड़ा ही है अध्यात्म का तो मतलब ही होता है पूरा जीवन बदले तुम कह रहे हो नहीं पूरा जीवन ना बदले बस जो अंतिम फल है वो धीरे से चुपके से प्राप्त हो जाए तो परीक्षा में नकल करने ऐसी बात हो गई कि पूरे साल पढ़ाई भी नहीं करेंगे मौज मारेंगे अंत में छियानवे प्रतिशत भी आना चाहिए कोई नकल करा दे कैसे करा दे अध्यात्म में होती ही नहीं थोड़ी ठोकरें तो खानी पड़ेंगी ना मेहनत तो करनी पड़ेगी ना और मैं असंवेदनशील नहीं हूं मैं समझता हूं नौकरी का मुद्दा नाजुक होता है तुम्हें अपना पेट भी पालना है कई बार पर तुम पर आश्रित लोग होते हैं उनका भी पालना है लेकिन देखो फिर कोई अनिवार्यता तो है नहीं कि तुम आध्यात्मिक मुक्ति की बात करो तुम्हें अगर यही लग रहा है कि पेट पालना ही जरूरी है तो तुम पेट पाले जाओ ना फिर तुम इस तरह के सवाल ही क्यों उठाते हो कि मुझे जी परमात्मा को पाना है ये करना है वो करना काहे को पाना है परमात्मा को पगार पा तो रहे हो और ये बात मैं तुम्हें अपमानित करने के लिए नहीं बोल रहा हूं यह मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अध्यात्म कोई शौक थोड़े ही है कोई हॉबी थोड़े ही है कि वो असल में अभी थोड़ा समय बच जाता है शुक्रवार तक तो नौकरी में ही जूझे रहते हैं रविवार को कपड़े वपड़े धोते हैं अगले हफ्ते की तैयारी के लिए और सो जाते हैं कि सोमवार को फिर से पिलना है शनिवार की शाम को करीब दो ढाई घंटे बच जाते हैं तो ये बताइए आचार्य जी कि उसमें समाधि कैसे पाऊंगा मैं ढाई घंटे करीब होते हैं मेरे पास हफ्ते में समाधि बता दीजिए तो मैं करना क्या समाधि का जाओ पिक्चर देख के आओ ढाई घंटे में हुं? तो कोई अनिवार्यता थोड़ी ही है कि फैशन है कि सब पाए जा रहे हैं कुछ तो हमें भी पाना है कोई जरूरी नहीं है जैसे आम आदमी जिंदगी गुजर कर रहा है तुम भी गुजारो मजे करो ना खाओ पियो पिक्चर देखो जाओ पेरिस घूम के आओ हम्म और अगर तुम्हारे भीतर वास्तव में ईमानदारी से अब लॉ लगे ही रही है तो फिर ये मत कहो कि नौकरी तो जैसी चल रही है वैसे ही चलेगी फिर थोड़ा सा या हो सकता है ज्यादा संघर्ष करने को तैयार रहो नौकरियां बदलनी पड़ती हैं आमदनी के वैकल्पिक रास्ते तलाशने पड़ते हैं हो सकता है अभी तुम पचास हजार कमा रहे हो हो सकता है ऐसी नौकरी पकड़नी पड़े जिसमें बीस हजार मिलता हो तो कुछ पैसा भी कुर्बान करना पड़ता है और वो कुर्बानी मैं फिर कह रहा हूं कोई जबरन तुमसे नहीं वसूल सकता कि कुर्बान कर कोई तो तुम्हारी गर्दन पकड़ के कुर्बानी थोड़ी वसूलेगा वो कुर्बानी तो स्वेच्छा से की जाती है वो कुर्बानी वास्तव में कुर्बानी है ही नहीं वो तो भुगतान है किस चीज का भुगतान है किसी ऐसी बहुत बड़ी चीज का बहुत छोटा भुगतान है जिससे तुम्हें प्यार हो गया है एक बहुत बड़ी चीज है जिससे तुम्हें प्यार हो गया है और उसके लिए तुम्हें बहुत छोटा सा भुगतान कर रहे हो कि तुमने अपनी पगार में कटौती स्वीकार कर ली बात समझ में आ रही है जैसे करोड़ों अरबों की चीज है और उसके लिए तो मैं एक छोटी सी कीमत ये चुका रहे हो कि चलो उस अरबों की चीज को पाने के लिए मैं अपनी तनख्वाह आधी करने को तैयार हूं और मेरी बात से मत समझ लेना कि अध्यात्म का मतलब होता है कि तनख्वाह आधी हो ही जाएगी निश्चित रूप से ये कोई नियम नहीं है आधी क्या चौथाई भी हो सकती है और यह भी हो सकता है कि दूनी हो जाए ऐसा कोई श्लोक कहीं नहीं वर्णित है कि हे अर्जुन तुझे अपनी पगार में अस्सी प्रतिशत की कटौती करनी पड़ेगी लेकिन इतना तो हर जगह वर्णित है कि मामला जैसा चल रहा है जिंदगी जैसी चल रही है तुम तो उसे भी सुरक्षित रखना चाहते हो और साथ ही साथ सच्चाई भी पाना चाहते हो आजादी भी पाना चाहते हो तो भैया ऐसा तो नहीं होगा हुँ? तुमने पूछा कॉलिंग का कैसे पता करें कॉलिंग कोई चीज होती नहीं है तुम जिस काम में फंसे हो उससे छूटने के लिए जो दूसरा काम करना पड़ता है वो कॉलिंग कहलाता है अन्यथा जो उच्चतम अवस्था है जहां तुम्हें अंततः पहुंचना है जो मंजिल है उस जगह पर कोई काम थोड़े ही शेष बचता है काम तो सारे करे जाते हैं उस मंजिल तक पहुँचने के लिए ये कॉलिंग क्या चीज़ है कॉलिंग से तुम लोगों का कुछ रोमांटिक सा आशय होता है कि वो काम जिसको करने में मैं बिल्कुल एकदम खो जाऊं लीन हो जाऊं भीतर से तराना उठने लगे उसको बोलते हो कॉलिंग ये कोई आध्यात्मिक सिद्धांत है ही नहीं कॉलिंग जो चीज तुम्हारा बंधन है उसको काटने के लिए जो काम करना पड़े वो कॉलिंग है तुम्हारी बात समझ में आई तो पहले क्या देखोगे कॉलिंग है अपना बंधन ये देखोगे कि किस चीज ने तुमको जकड़ रखा है जिस चीज ने तुमको जकड़ रखा है उससे आजाद होने के लिए कुछ और करना पड़ेगा ना ये दुनिया है भाई यहां कर्म करना पड़ता है तो जिस भी चीज ने तुमको पकड़ जकड़ रखा है उससे छूटने के लिए कुछ कर्म करना पड़ेगा है ना जो कर्म तुम्हें मुक्ति दिला दे उसे कहते हैं कॉलिंग जो कर्म तुम्हें मुक्ति दिला दे इसीलिए सबके लिए अलग अलग होगा क्योंकि कोई कहीं फंसा हुआ है कोई कहीं फंसा हुआ है किसी की जंजीर लाल है किसी की काली है हुं? किसी की जंजीर हो सकता है यज्ञोपवीत तो, किसी की जंजीर कोई अंगूठी हो सकती है हम्म सबकी जंजीरें अलग अलग होती है ना कि नहीं वो तुम देख लो तुम्हारी जंजीर क्या है क्या पता तुम्हारी सोने की घड़ी ही जंजीर हो तुम्हारी उस जंजीर को काटने के लिए जो काम तुम करोगे उसको कहोगे कॉलिंग और जब जंजीर कट जाएगी तो कॉलिंग का भी कोई महत्व तो बचेगा नहीं इसीलिए कॉलिंग कोई आखिरी चीज़ नहीं है कॉलिंग का भी महत्व तो सिर्फ तब तक है जब तक काम शेष है काम जब पूरा हो गया तो ना काम बचता है ना काम करने वाला बचता है ना कॉलिंग बचती है hmm?